विराजमान श्री वल्लभ कुल परिवार को मेरे दंडवत प्रणाम एवं आप सभी वाल्लभ्य वैष्णवों को भगवत स्मरण। श्रीमद आचार्य चरण के प्रागट्य महामहोत्सव की आप सबन को खूब खूब मंगल बधाई। हम भक्ति सेतु बृहत परिवार जूम परिवार बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ऐसे विषम समय में भी श्री गुरुदेव के सानिध्य एवं वचनामृत प्राप्त हो रहे हैं और अष्ट सखा की वार्ता का सत्संग का सुख मिल रहा है, जिसके लिए हम आप श्री को कोटि कोटि नमन ही कर सकते हैं। गत 14 दिनों से सत्संग को फलरूप आज हम श्री आचार्य चरण के सत्संग के प्रागच्य महामहोत्सव का आनंद श्री वल्लभ कुल परिवार के साथ ले रहे हैं। हमारे सभी सनातन धर्मावलंबन भक्तों के साथ आज हमारे उत्सव नायक का स्मरण करके हम आज की सभा का प्रारंभ करेंगे, जिसमें पूज्यपद गोस्वामी श्री गोविंद राय जी महोदय श्री तथा पूज्य श्री रानी बहुजी श्री द्वारा पोषित बाल बोधिनी पाठशाला वापी एवं हैदराबाद के बालकों द्वारा पाठ वक्तव्य बधाई कीर्तन प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि सभी बच्चों के उत्साह का वर्धन करें एवं हमारी भूल चूक को आप क्षमा करें। श्री आचार्य चरण ने मात्र 6 मास में सारे पुराण शास्त्र वेद षष्ठ दर्शन सीख लिए। 12 वर्ष की वय में वेद वेदांगादि में निष्णात होकर विद्यानगर में ब्रह्म सभा में इतर मतों का खंडन करके ब्रह्मवाद स्थापन किया और दिग्विजय किया। अखिल भारत खंड की निष्किंचन वृत्ति से 3 बार चल के आप श्री ने परिक्रमा करी और समी वृक्ष के नीचे मुकाम करके आपने परिक्रमा के दौरान अनेक देवी जीवों का उद्धार किया, भागवत पारायण किया, भगवत आज्ञा से गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके इस युग के आचार्यों भक्तों एवं मुमुक्षुओं को सरल निराडंबर और एक आदर्श जीवन यात्रा का संदेश दिया। समस्त भगवत साक्षात भगवत आज्ञा के अधिकारी बने, भक्ति संप्रदाय का स्थापन किया। ऐसे वाणी के पति वैश्वानराचार्य भगवत मुखावतार अखंड भूमंडलाचार्य श्री वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के प्रागट्योत्सव की आप सबको मंगल बधाई एवं आज की सभा का प्रारंभ हम मंगलाचरण से बाल बोधिनी पाठशाला के बच्चों द्वारा करेंगे। मंगलाचरण एक कायता रचित ग्रंथ नहीं है, परंतु 5 श्लोकों का सुविचारित रूप से किया गया संकलन है, जिसके प्रथम श्लोक में श्री वल्लभाचार्य चरण को, द्वितीय श्लोक में श्री गोपीनाथ प्रभु चरण एवं श्री विठलेश प्रभु को, तृतीय श्लोक में अपने पुष्टि दीक्षा एवं ज्ञान दाता गुरुदेव को तथा चतुर्थ श्लोक में लीला विशिष्ट भगवान श्री कृष्ण को नमन किया गया है। 5वें श्लोक में दशम स्कंद के 5 प्रकरणों में वर्णित भगवान स्वहृदय में विराजमान हो यह भावना है। तो आइए इसी भावना के साथ हम बच्चों के साथ सभी वैष्णव मंगलाचरण से अपनी सभा का प्रारंभ करें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री दाऊदयाल प्यारे की जय। श्री कुंवर लाड़िले लाल की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अम्ने महाराणी की जय। आज के आनंद की जय। चालू करो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम्।
चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहु यदनो गृहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधे चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योत्सव पञ्चधारतये मम स्मरणम् श्रीगोवर्धननाथपादयुगलम् अय्यङ्गवीणाप्रियम् नित्यम् श्रीमधुराधिपम् सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशम् मुदा श्रीमद्भागवतीश गोकुलपति श्रीगोकुले धुम् विभुम् श्रीमन्मथमोहनम् नटवरम् श्रीबालकृष्णम् भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाभिदम् श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपति नाथम् लघुन तथा एवम् श्रीयतु नारमखिल घनम् श्यामम् च ता कालिन्दं सगुरुं गिरिं गुरु विभुं श्रीय प्रभुश्च स्मरेत् श्रीकृष्णन् पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्भास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्धां वेणु हृदय सुधया पूरयन् गोप वन्देहि रन्धारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः महाप्रभुजिनु पञ्चा पुनस्तदन्तर्गतं प्रावीर्विशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्वभु रसमयः कृष्णो हि यत् शाक्षिकं रूपं च त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्री गोपीनाथ जी नु ध्यान मंत्र श्री वल्लभ प्रतिनिधिं तेजो राशिं दयानवं गुणातीतं गुणनिधिं श्री गोपीनाथम आश्रये
श्री गोसाई जी नु ध्यान सायं कुंजोलयस्तासन मुख विलसत् स्वर्ण पात्रं सुभूतं राजत्यक्योपवीतं पनितनुवसनं कौरं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यो नासापुटनीतकरं कर्णराजत्विमुक्तं वन्देन्दोन्मिलिताक्षं रथमदतिलकं विठ्ठलेशं शुकेशम् इति श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण ने श्री वल्लभाचार्य जी के 108 नाम प्रकट किए हैं। यह स्तोत्र पुष्टि साधना का प्रथम सोपान है। गुरु कृपा बिना फल प्राप्ति संभव नहीं। समस्त पुष्टि मार्गियों के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा ही श्री कृष्ण स्वरूपात्मक फल देने में समर्थ है। हमारे साधन बल से कदापि यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ से भक्ति योग में आने वाले प्रतिबंध दूर होते हैं एवं भक्ति मार्गीय सर्वोत्तम फल का प्राप्त होता है। इसी भावना के साथ हम बाल बोधनी पाठशाला के बालकों के साथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करें। श्री वल्लभाधीश की जय। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम् प्राकृत धर्मानाशय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् सच्चुद्धम साकृति स्तौमि कली काल तमच्छन्न दृष्टि द्वादि दुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यं समभूद्भुवि देया निज महात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः वाण्या यदा तदा सस्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यायथा तथा तन्नामष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलाग्रहत् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां चन्दो जगत्यशो श्रीकृष्ण स्वयं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोग प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृत साध सिद्धिरत्र न संशय आनन्दः परमानन्द श्रीकृष्ण स्वयं कृपानिधि। श्री भागवत गोदायन साकार ब्रह्म वार्दैक स्थापको वेद पायक मायावाद निराकर्ता सकृत भक्ति मार्गाब्जमाप्तन्द श्री शुद्राद्युद्युति क्षम अंगीकृत्येव गोपीश वल्लभीकृत मानवः अंगीकृतो समयादो महाकारुणिको विभु अदेयदान दक्षश्च महोदार चैत्रवान् प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुर मानुष पेश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत् सतां जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति निखिलेश्चा सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु स्वानंद तुंडिल पद्म दलायत विलोचन कृपाद वृष्टि संवृष्ट दाश दासी प्रिय पति रोषद पात संपुष्ट भक्त विभक्त सेवित सुख सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभांद्री सरोरुह उग्र प्रतापो वाक्सिद्धो पूरिताशेष सेवकः श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम तत्सार भूतरासस्त्री भाव पूरित विग्रह सानित्य मात्र दद्दत् श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिदः रासलीलैक तात्पर्य कृपयैतत् कथा प्रदः विरहानुभवैकाथ सर्वत्यागोपदेशक भक्त्याचारोपदेशाच कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादो भक्ति मार्गेक साधनत्वोपदेशक
पूर्णानन्दः पूर्णकामो वाक्पते विबुधेश्वरः भक्त्याचारोपदेशा च नानावाक्यनिरूपक स्वार्थोचिताखिल प्राण प्रियस्त्वादिशविष्टित स्वदा साध कृताशेष साधनः सर्वशक्तिकृत् पूरी भक्ति प्रचारिका कृते स्वान्वय कृत पिता स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमाहात्म्य स्मयापह पतिव्रतार लौकिक ही कदान कृत निगूढ़ हृदय अनन्य भक्ते शुग्ना पिताशय उपासनादि मार्गाति मुक्त मोह निवारक भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत पृथक्षण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित प्रतिक्षणानि कुंजस्थ लीला रस सुपूरित तत्कथा क्षिप्त चित्तस्तद विस्मृतान्यो व्रज प्रिय प्रिय व्रज स्थिति पुष्टि लीला कर्तारह प्रिय भक्तेच्छा पूरक सर्वा ज्ञात लीलोति मोहन सर्वास्तको भक्त मात्रा सक्तः पतित पावनः स्वयशोकान संवृष्ट हृदयाम्बोज विष्टरः यश पीयूषल हरि लावितान्य रस परः लीलामृत रसाद्राद्रि लीलामृत रसाद्राद्रि कृताखिल शरीर कृत गोवर्धन स्थिति उत्साह तन्लीला प्रेम पूरित यज्ञ भोक्ता यज्ञ कर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्य प्रतिज्ञ त्रिगुणा तीतो नय विशारद स्वकीर्ति वर्धन तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक मायावाद कितूलाग्निर् ब्रह्मवाद निरूपक अप्राकृताखिला कल्प भूषितः सहजस्मित त्रिलोकी भूषण भूमि भाग्यम सहज सुंदर अशेष भक्त संप्राथ्य चरणाब्जर जोदन इत्यानंदम निते प्रोक्तम नामनाम अष्टम तनम शतम श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यः पठत्य अनुदिनम जन सदेक मना सिद्धि उक्ता प्राप्तून्य संशय तद प्राप्त वृथा मोक्ष तदाप्तो तद्गता तथा अतः सर्वोत्तम स्त्रोत्र जप्यम गृष्टर साध्वि इति श्रीमदग्नि कुमार प्रोक्तम श्री सर्वोत्तम स्त्रोत्र संपूर्णम शिवल्लभादिशकी जय। हमें हमेशा श्री महाप्रभु जी का स्मरण उनके नाम रूप और गुण से करने की आज्ञा की जाती है, जिसमें नामों द्वारा स्तुति श्री सर्वोत्तम स्तोत्र से हम करते हैं, रूप की स्तुति श्री वल्लभाष्टकम और गुण की स्तुति हम स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र द्वारा करते हैं। श्री वल्लभाष्टकम श्री गुसाई जी द्वारा रचित 8 श्लोकों की स्तुति है। श्री वल्लभाष्टकम के 8 श्लोकों में श्री विठलनाथ प्रभुचरण ने श्री वल्लभाचार्य जी के तृतीयात्मक सौंदर्य का अष्टविध रूप से वर्णन किया है। तो आइए नामों की स्तुति के बाद रूप की स्तुति श्री वल्लभाष्टकम स्तोत्र द्वारा हम करें। श्री वल्लभाधीशकी जय। अथ श्री वल्लभाष्टकम श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फुर्जद्रासादि लीलाम् अमृत जलधि भरा क्रांत सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्या कृतिरति करुणा संप्रपद्ये हुताशं नाभिर्भूयान् भवान् चेत् अधिधरणितलं भूतनाथोदितासन् मार्ग ध्वान्तान्धतुल्या निगम पथ गतौ देव सर्गेऽपि जातः कोशाधीशं तदेमे कथमपि मनुजः वाग्मयुर्नैव देवी
सृष्टि व्यर्था च भूया निज फल रहिता देव वैश्वा नरेशा नोहन्यो वा गतिशा श्रुति गण वचसा भावमाज्ञातुमिष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधुर अग्रतः पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्य त्वदुदित वचनात् अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता येते निसर्ग त्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमोघः प्रादुर्भूतेन भूमौ रजपति चरणं भोजसेवाख्य वर्त्म प्राकट्यं यत्कृतं ते तदुत निज कृते श्रीहुताशेति मन्ये यस्मादस्मिन् स्थितो यत्किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुमिच्छत् यद्धा तद्वोऽपि केशवदन कमले चारुहासे करोति उष्णद्वैक स्वभावोऽप्यतिशिशिरवचः मुञ्जपेयो सवृष्टिर् आदे स्वद्युग्रमोहासुरनृषयुगपत् तापमप्यत्र कुर्वन् स्वस्मिन् कृष्णस्य तां त्वं प्रकटयसि च नो भूतदेव त्वमेतत् यस्मादानन्दतं श्रीव्रजजननि चये नाशकं चासुराग्ने आम्ना योक्तं यदम्बो भवनमनलतश्च सत्यं विभो यत् सर्गादौ भूतरूपाद् अभवदनलतः पुष्करं भूतरूपम् आनन्दैकस्वरूपाद् वदति भूयदपुत् कृष्णसेवारसाब्धिश्चानन्दैकस्वरूपस्तदखिलमुचितं हेतु साम्यं हि कार्ये स्वामिन् श्रीवल्लभाग्ने क्षणमपि भवत सन्निधाने कृपात प्राणाप्रेष्ठ व्रजातीश्वर वदनद्रिदु शार्दितापो जनेषु यत्प्रादुर्भावमाप्नोत्युचिततरमिदं यत्तु पश्चादपित्थं द्रष्टेऽप्यस्मिन्मुखेन्दौ प्रचुरतरमुदे देव तच्चित्रमेतत् अज्ञानाथन्तकार प्रशमनपटुता ख्यापनाय त्रिलोक्यम् अग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभव निगम त्युक्तमानैरवेद्य त्वां श्री श्रीवल्लभे मे निखिलबुधजना गोकुलेशं भजन्ते इति श्रीमद्विठ्ठलदीक्षित विरचितं श्रीवल्लभाष्टकं सम्पूर्णम्। श्रीवल्लभादीश की जय। श्री विठल विठलेश प्रभु चरण ने श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में श्री वल्लभाचार्य चरण के गुणों का वर्णन किया है। प्रथम श्लोक में धर्मी स्वरूप का वर्णन, तदंतर छह श्लोकों में श्री वल्लभ के छह गुण ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य का निरूपण किया गया है। हम भी इसी गुणों का गान श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र द्वारा करते हैं। अथ श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्रम्। स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता विहारान् कुर्वाणा व्रजपति विहाराभ्यसु सदा प्रिया गोपी भर्तुः स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्तिः सकरुणा। श्री भागवत प्रतिपदमनिवर भावांशुभूषिता मूर्तिः श्रीवल्लभा विधानस्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यं मायावादतमो निरस्य मधुभिर्सेवाख्यवर्त्मद्भुतं श्रीमद्गोकुलनाथसङ्गम सुधा सम्प्रापकं तत्क्षणात् दुष्प्रापं प्रकटीचकार करुणा रागाति सम्मोहनः स श्रीवल्लभ भानुरुन्न सत्यः श्रीवल्लवीशान्तरः। क्वचित् पाण्डित्यं चेन्न निगम गतिः सापि यदि न क्रियासा सापि स्यात् यदि न हरिमार्गे परिचयः यदि स्यात् सोऽपि श्री व्रजपति रतिर्नेति निखिलैः गुणैरन्यः को वा विलसति विना वल्लभवरम्। मायावादिकरेन्द्रदर्पदलने नास्किन्तु राजोद्गतम् श्रीमद्भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदो
राधा वल्लभ सेवया तदुचित प्रेमणोपदेशेरपि श्रीमद् वल्लभ नाम देय सदशो भावीन भूतोस्यपि यदंग्री नखमंडल प्रसृतवारी पीयूषयु वरांगारदयेदि कलिस्तृणमिवेह तुच्छीकृतः प्रजाधिपतिरिन्दिरा प्रभृतिं रुग्य पादाम्बुजः क्षणेन परितोषित सदनुगत्वमेवास्तु मे अग उग तमसावृतं कलिभुजङ्गमासादितं जगद्विषयसागरे पतितमस्वधर्मे रतं यदीक्षण सुधानिधि समुदितोऽनुकम्पामृतात् अमृत्युम् अकरोत्क्षणात् अरणमस्तु मे तत्पदम् इति श्री विठ्ठलेश्वर विरचितम् स्मृत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। आज के समय की सर्वसामान्य चिंता जो वैष्णव परिवार में देखने को मिलती है वह यह है कि आज के समय में हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसे धर्म के संस्कार दे, उनको अपने संप्रदाय के विषय में समझाए, उनको प्रेरित करें कि वह भी आदर्श पुष्टि मार्गीय वैष्णव बने। हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं जो अगर हम आज की पीढ़ी को सही तरह से समझाए तो वह आग्रह पूर्वक पुष्टि मार्ग से जुड़ेंगे। तो इसी मनोभाव को अपने समक्ष ला रहे अपने बहुत ही प्यारे श्री युथिका बेटी जी, श्याम सुंदर श्री अमने महाराणी की जय। श्री कृष्णाय नमः। आपादमौलि पर्यन्तं गुरु नामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथः। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः। भक्ति सेतवे नमः। उपस्थित सभी बड़े इनको मेरे नमस्कार। भगवत स्मरण सहित आप सभी को आचार्य चरण के उत्सव की खूब खूब बधाई एवं च सभी वाल्लभ्य वैष्णवन को भी भगवत स्मरण सहित आज के उत्सव की खूब खूब बधाई। आज इस वक्तव्य के माध्यम से मैं अपने कुछ मनोभाव यहाँ प्रकट करना चाहूंगी। मैंने जो मेरे काफी मेरी समान वय के वैष्णवों को काफी लाभदायक हो सके, मैंने काफी मेरी समान वय के यानी बहुत बार ये पूछते हुए सुना है, ये बातों पर चर्चा करते सुना है कि हम क्यों पुष्टि मार्ग को फॉलो करें या वाई पुष्टि मार्ग, या फिर अभी के काल में ऐसे कलिकाल में लौकिक में पुष्टि मार्ग किस प्रकार हमारी सहायता कर सकता है या हमारे लाभदायक हो सकता है। तो आज मैं अपने इस वक्तव्य को इन सब प्रश्नों के हल करने के हिसाब से प्रस्तुत करना पसंद करूंगी। अब इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझे बहुत सारी बिंदुएं मिली, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स मिले जिनके हिसाब से या जिनके थ्रू मैं आपके प्रश्नों के हल कर सकूं। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैंने तीन मुख्य बिंदुएं लिए, यानी तीन मेन पॉइंट्स लिए हैं जिस प्रकार से पुष्टि मार्ग लौकिक में भी हमारी सहायता कर सकता है या हमें लाभदायक हो सकता है। वो तीन मुख्य बिंदु या तीन मुख्य पॉइंट्स हैं वैष्णव व्यवहार, कलाकृति का भंडार एवं स्वच्छता यानी अस्पृश्यता या अप्रस। अब पहला वैष्णव व्यवहार। किसी भी इंसान को हम सबसे पहले उसके चरित्र से आंकना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि पर्सनालिटी। किसी की पर्सनालिटी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब पुष्टि मार्ग कैसे इंसान की पर्सनालिटी सुधारता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, पर्सनालिटी के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे पर्सनालिटी आकी जाती है, जैसे भाषा, फिर बोलने चालने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका। इन सब के हिसाब से हम किसी के चरित्र को आंकते हैं। तो भाषा, पुष्टि मार्ग हमारी भाषा बहुत अच्छे से सुधारती है। जैसे हम प्रभु में उपयोगी वस्तुओं को भी, सिर्फ भले ही वो वस्तु है लेकिन वो प्रभु में उपयोग आती है, बस इसी कारण से हम उनके पीछे जी लगाते हैं, यानी उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं। जैसे झारी जी, वंटा जी, शैया जी, ऐसे आदि बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम जी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के उपयोग में आती है। और भाषा के शब्दों की भी अगर बात की जाए
तो हम हर शब्द को एक मान देते हैं या उसको माननीय ढंग से सबके सामने प्रदर्शित करते हैं, जैसे बैठने को विराजना, खाने पीने को आरोगना, चलने फिरने को पधारना। भले ही यह वल्लभ कुल के लिए या गुरु घर के लिए यूज किए जाने वाले शब्द हैं, जिनको हम वल्लभ कुल के लिए वापरते हैं ऐसे शब्द हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हें अपने नॉर्मल दिनचर्या में, लाइक नॉर्मल शेड्यूल में अगर उनका प्रयोग करे तो उसकी काफी अच्छी उसका चरित्र दिख सकता है या उसकी पर्सनैलिटी का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब इसके अलावा भी ऐसा सिर्फ भाषा ही नहीं, और भी दूसरी ऐसी चीजें हैं, जैसे एक चीज होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाउन टू अर्थ, तो वो भी पुष्टिमार्ग बहुत अच्छे से समझाता है कैसे। एक पुष्टिमार्ग में टर्म है दासानुदास, तो हम सिर्फ गुरु घर को या वल्लभ कुल को ही नहीं, अपने आसपास के वैष्णवों को भी सम्मान देते हैं। तो एक नेचुरल नॉर्मल सम्मानदायक जो स्थिति है ये, मतलब कोई भी मनुष्य अगर इसे अपनी नॉर्मल दिनचर्या में भी ले तो वो बहुत ही शांत, सुशील और सम्मान देने वाला व्यक्ति माना जा सकता है। अब इसी के साथ हम दूसरे हमारे बिंदु पे चलते हैं, वो है कलाकृति का भंडार। कलाकृति का भंडार कैसे, देखिए सेवा, सेवा के तीन मुख्य पड़ाव होते हैं जिसके हिसाब से हम सेवा प्रभु को समर्पित करते हैं या हम सेवा करते हैं। उसमें तीन मुख्य सेवाएं होती है, राग, भोग और श्रृंगार। इसके ऊपर पूरी सेवा श्री वल्लभ ने स्थित करी है। राग यानी संगीत कला, भोग यानी कुकिंग खाना बनाना कला, श्रृंगार श्रृंगार भी कला। इसके अलावा भी ऐसी कितनी कलाएं हैं जो पुष्टिमार्ग हमें सिखाता है या हमारा ध्यान उसके ऊपर ले जाता है। आरती की सेवा, माला जी की सेवा, सांझी की सेवा, फिर और भी कितनी सेवाएं, हाँ साज, साज वस्त्र हम लोग सीते हैं तो सिलाई की सेवा, ढाडी ढाडन, स्वांग, ऐसे कितनी कलाएं हैं जो पुष्टिमार्ग हमें सिखाता है, कितनी ऐसी कलाएं हैं। अब इनमें से अगर कोई व्यक्ति तीन या चार कलाओं में भी प्रवीण हो जाए या वो अच्छे से सीख ले तो हम उसे ऑलराउंडर कह ही सकते हैं। तो ये हुआ कलाकृति का भंडार। अब तीसरा, ये एक ऐसा बिंदु है जिसे पुष्टिमार्ग में, यानी कि सभी वैष्णव ज्यादातर इसे निग्लेक्ट करना, अवॉइड करना या इस वजह से पुष्टिमार्ग को अवॉइड करना चाहते हैं, वो है स्वच्छता, अस्पर्शता, जिसे हम अपरस के नाम से जानते हैं। हालांकि इस कोरोना ग्रस्त संसार ने अभी हमें ऐसे काल ने ये बात सिखा दी है कि सेवा कितनी ज्यादा जरूरी है, अपरस कितनी ज्यादा जरूरी है। जैसे हम मुंह में हाथ डालने से कहते हैं हाथ जूठन हो जाते हैं, सहज बात है मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं। फिर हम काफी बार कहते हैं कि हर कहीं पे भी हाथ लगाने के बाद हाथ खासा करें, हाँ हाथ में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बार बार लगते रहते हैं, तो हाथ खासा करने से एक हाथ सैनिटाइज्ड रहते हैं। इसके अलावा भी सबसे तीन ज्यादा जरूरी चीज जिसे लोग निग्लेक्ट करते हैं, सूतक पिंडरू अटकाव, जो पालना बहुत जरूरी होता है पुष्टिमार्ग के हिसाब से। कैसे, सूतक में हम देह के साथ होते हैं उस समय, जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता से अगर हम देखें, वैज्ञानिक रूप से, तो वो देह बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर कहलाती है। अब ऐसे समय में हम उस देह से कॉन्टेक्ट में एक दो दिन तक रहते हैं, बीमारी फैलने का कितना स्रोत होता है उससे, इसीलिए ही यहाँ पे सूतक का 10 दिन 16 दिन ऐसे हमारे यहाँ पे क्रम रखा है। इसके अलावा पिंडरू, हॉस्पिटल में आना जाना रहता है, माँ के बच्चे से मिलना जुलना रहता है, ऐसा ही अटकाव के संग भी होता है। इसी वजह से वैज्ञानिक रूप से भी देख के श्री वल्लभ ने ऐसो क्रम रखे हुए थे, मतलब ये क्रम रखा है और इसे काफी जगह पे हम मानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब, आप मेरे इन तीन बिंदुओं को समझे, उन पे ध्यान दें, और मेरी ऐसी आशा है कि मैंने सभी उन यंगस्टर्स को या मेरी जनरेशन के उन सभी लोगों को जिनके मन में ये प्रश्न हो, मैं उनको हल करने की कोशिश की। आशा है कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे, उससे आप लोगों ने उस पे अमल करना पसंद किया होगा, और मैं बालबोधि पाठशाला की बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज के दिन वक्तव्य का मौका दिया। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य संपूर्ण करती हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। जय हो श्याम सुंदर श्री अमने महाराणी की जय हो। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा पुष्टि भक्ति मार्ग के विवेचन के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की।
उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है पत्रावलंबन ग्रंथ। यह श्री वल्लभाचार्य जी का 39 कारिकाओं का गद्य पद्यात्मक लघु ग्रंथ वास्तव में उनके ब्रह्मवाद का घोषणा पत्र है। आपने यह ग्रंथ लिखकर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की दीवार पर लगवा दिया था। इसमें श्री वल्लभाचार्य जी ने वेद के पूर्व कांड और उत्तर कांड की एक अर्थ का सुंदर विवेचन करते हुए उद्घोषणा की है कि वेद और वेदांत के अर्थ का ब्रह्मवाद में ही समावेश होता है। इस पत्र के उल्लिखित मत को विषय में यदि किसी को भी संदेह हो तो वह निसंकोच निर्भय होकर मेरे पास आए। यह श्री महाप्रभु जी के वचन को विस्तार से समझाने आ रहे हैं पूज्य श्री सूद विजया बेटी जी। श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। सौंदर्यम निजरद्गतम प्रकटितम त्रिगूढ़ भावात्मकम कुमरू पंच पुनः सदंतरगतम प्रावीविशत स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकम् रूपम तत् श्रुतयात्मकम् परम भिद्येयम् सदा वल्लभम्। उपस्थित सभी बड़े इनको मेरे नमस्कार। वो सब भगवती अंजन को मेरे श्री महाप्रभु जी के उत्सव की खूब खूब बधाई। आज मैं आप सबन को श्री वल्लभ के जीवन का एक प्रसंग सुनाऊंगी। काशी में मायावादियों का झगड़ा। उस समय जब श्री वल्लभ काशी में विराज रहे थे तब खूब सारे मायावादी ब्राह्मण भी काशी में रहते थे। उन्होंने इस वजह को देखकर चारों ओर ऐसी बातें प्रसारित कर दी, देखो श्री वल्लभ को तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें शिवपुरी में विजय प्राप्त कर ली हो। जिस प्रकार मूर्ख लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को बहकाते हैं उसी प्रकार यह सब मिलकर चर्चा करते रहते। क्या काशी के ब्राह्मण यह अपमान सहन कर लेंगे? हमने उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने वेदांतवादियों को श्री वल्लभ से वाद विवाद करने भेजा, लेकिन वे तो श्री वल्लभ के साथ वाद करते धर्म के मर्म को समझ गए और उन्हें भक्ति का ज्ञान हुआ। उन्होंने श्री वल्लभ से दीक्षा ली। उनसे उकसाए माइक मतवादियों का एक टोला अपनी इच्छा प्रमाणे वाद खड़ा किया। वे रोज श्री वल्लभ के पास जाते और वाद विवाद के बहाने श्री वल्लभ की सेवा में विघ्न डालते। मिथ्यावाद करके श्री वल्लभ को क्लेश देने लगे थे वो लोग। तब श्री पुरुषोत्तम दास ने पंचगंगा के घाट पर काशी के पंडितों की एक सभा बुलाई। फिर उन्होंने स्वागत वचनों से संतोष देकर उसकी जो इच्छा हो उस विषय पर वह प्रश्न कर सकता है इस बात की छूट दी। एक शंकर मतवादी यति बोला, हम श्री वल्लभ के साथ चर्चा करना चाहते हैं। कोई ब्रह्मवाद कहता है, कोई माइक मत कहता है। यह किस प्रमाण के आधार पर कहने में आता है वह हमें बताए। उपेंद्र यति ने सभा के बीच यह प्रश्न पूछा। तब जो इस सभा में न्याय देने वाले से मध्यस्थी सभा के मध्य में आकर बैठ गए। फिर श्री वल्लभ आज्ञा की, तुम्हारी जो मान्यता हो वह बोलो, मैं सब सुनूंगा। माइक मतवादियों ने अपनी बात प्रारंभ की। ब्रह्म निराकार है, जगत मिथ्या है और जीव प्रभु का वास्तविक अंश नहीं है, वह तो सबल ब्रह्म की छाया है। शंकराचार्य का यह सिद्धांत सर्वमान्य है, जो इसके विरोध में बोलता है वह मायावादी है। उपेंद्र यति ने इस सिद्धांत को वेदासिद्ध कहा है। यह कोई एक देशीय दृष्टांत नहीं और वेद रूप मत यह सर्वोत्तम है। हम इस पक्ष को मानते हैं। इस सिद्धांत के विरोध में जो बोलता है वो हमें अयोग्य लगता है और वेद रहित बात कहलाती है। इस सिद्धांत की बातों को सुनकर श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, जो बात ऊपर आपने कही है वह सब कुछ समझने वाली है। वेद की बात छोड़कर यह बात जो तुम कह रहे हो वह तुम्हारी अपनी बुद्धि के अनुसार है। वेद के अर्थ तो अत्यंत गूढ़ है, श्रुति के मर्म सहज समझ नहीं आते। चार प्रमाण वाक्यों को सहज रूप से समझाने के बदले उन वाक्यों का काल्पनिक अर्थ कहकर तुम सुनाते हो। इन चारों प्रमाणों की एकता आप करते नहीं हो, अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ करते हो और गौण ब्रह्म और मुख्य ब्रह्म इस प्रकार दो भेद बताकर तुम श्रुति विरुद्ध बात उठाते हो। जब आप छोड़ देते हो अपने अपने सिद्धांतों की अलग अलग ही पेटी बनाई है और श्रुति मान्य जो वाक्य तुम्हें योग्य लगते हैं उसे ही स्वीकार किया है। श्री महाप्रभु जी के साथ शास्त्रार्थ करने आए अनेक विद्वानों को बहुत से प्रमाण देकर शुद्धाते सत्य है वह आपने सिद्ध किया,
अक्षय के द्वारा बताए हुए प्रमाणों को सुनकर बात करने वाले आए यति शर्मा गए। आपके लिए प्रमाणों से शंकर मतवादियों को आश्चर्य हुआ। श्री महाप्रभु जी ने आगे आज्ञा करी, मेरे द्वारा निर्णय किए गए प्रस्थान चतुष्टय आप देखें, तो ठीक क्या है और अयोग्य क्या है उसका विचार करें, फिर आपको जो ठीक लगे तो शंकर मत का त्याग कर आप ब्रह्मवाद को स्वीकार कर उच्च गति को प्राप्त करें। यह सुनकर मायावादी बोल उठे, श्री वल्लभ ने मायावाद मत के प्रतिकूल बातें की है। इस तरह पूरी सभा में उन्होंने गड़बड़ मचा दी और वह सभा छोड़कर चले गए। जब सभा में एक भी वादी न रहा, फिर श्री महाप्रभु जी अपने घर पधारे। यह वाद विवाद काशी में 27 दिन तक चला। मायावादियों ने वाद विवाद में बहुत उत्पात मचाया, लेकिन विजय नहीं मिल पाई उनको। श्री महाप्रभु जी ने अपने घर में पधारे। इस बीच वाद विवाद के लिए इतने ही विद्वान इकट्ठे होकर आते। उन सब पंडितों से आपसी कहते कि आप सब की बातों पर मैं विचार कर रहा हूँ, मुझे जो लगेगा उन सिद्धांतों के अर्थ की स्पष्टता करके श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर में द्वार पर मैं चिपकवा दूंगा। ये वचन सुनकर सारे पंडित अपने घर गए। श्री महाप्रभु जी ने समझाया कि वेद और वेदांत दोनों अच्छे हैं, किसी का पक्षपात हृदय में न करे, प्रत्येक ने मेरे लिखे पत्रों को देख लेना, इसके लिए उन पत्रों को मंदिर के दरवाजे पर चिपकवाता हूँ, उन्हें पढ़कर सारे ज्ञानीजन और कर्मकांडी निर्णय कर लें। श्री विश्वेश्वर के मंदिर में जब यह पत्र चिपकाए गए तब पंडितों ने उन्हें पढ़ा और दौड़ा दौड़ी करने लगे। इन पत्रों को देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ गए। जो मूर्ख और दुराग्रही थे वे मन में जलने लगे। उन्होंने शिव जी के दरवाजे पर चढ़कर चिपकाए हुए पत्रों को फाड़ दिया। पुरुषोत्तम दास ने यह देखकर काशी के राजा से बात कही और जिन्होंने पत्रों को फाड़ा था उन्हें सजा दिलवाई। पंडितों ने श्री वल्लभ से वाद विवाद करना बंद कर दिया। श्री विश्वेश्वर के मंदिर के द्वार पर चिपकाए गए पत्रों को एक महीने तक रखा गया, जो उन्हें पढ़ते बहुत आनंद आता। इस प्रकार आपसी ने पत्रावलंबनम ग्रंथ द्वारा सबको निरक्षर किए। शिवल्लभाधीश की जय। धन्यवाद। जय हो प्रभु। श्री वल्लभ पृथ्वी परिक्रमा करते हुए जब विजयनगर पहुंचे तब राजा कृष्णदेव राय की सभा में कई दिनों से चल रहे शास्त्रार्थ में यह स्थिति बन गई थी कि वैष्णव हारते जा रहे थे और मायावादियों का पलड़ा भारी होता जा रहा था। श्री वल्लभ शास्त्र में पधारे और वेद, ब्रह्म सूत्र, श्रीमद भगवद गीता और श्रीमद भागवत के आधार पर सभी प्रतिपक्षी विद्वानों को अकाट्य उत्तर दिए और वैदिक ब्रह्मवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। श्री वल्लभ के अकाट्य तर्कों का प्रतिपक्षियों के पास कोई उत्तर नहीं था और राजा कृष्णदेव राय की सभा में चल रहे शास्त्रार्थ में विजय घोषित हुए और आपसी का कनकाभिषेक हुआ। कनकाभिषेक के बाद आपका आचार्य के रूप में तिलक किया गया और जगत गुरु की पदवी से सम्मानित किया गया। तो आइए हम भी श्री महाप्रभु जी की बिरदावली से आपसी का जय घोष करें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री महाप्रभु जी की बिरदावली। श्री बन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार सम्राट श्री पुरुषोत्तम वदना ललातात सर्वान नाय संचार वैष्णवान नाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगाचार्य संप्रदायकार साम्राज्य सनाखंड भूमंडलाचार्यवर्या जगत गुरु महाप्रभु श्रीमन आचार्य जना विजयन्ते राम श्रीवल्लभाधीश की जय। छड़ी पुकार सोने की छड़ी रूपे की मशाल जरियन के जामा मोतियन के माल ब्रज के अधिपति गोकुल के त्रपति महाराजा धीराज ने घणी खम्मा शिवल्लभाधीश की जय। शिव साई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय। अभी बाल बोधिनी पाठशाला
वापी के बच्चों द्वारा का कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं और बाल बोधिनी पाठशाला हैदराबाद से विनती करते हैं कि वो अपने बच्चे को आगे आगे लाए और उनका कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करें। मैं सजल अग्रवाल जय श्री और बहू जी के चरणों में दंडवत करता हूँ। बधाई क्या हुआ था? श्री वल्लभ जी की बधाई। श्री तपनी श्री वल्लभ पद सो और नमन आवे हो और नमन में आवे हो पढ़पू शत दर्शन के पढ़पू प्रण शत दर्शन के योग छुकु तावे हो योग छुकु तावे हो अंगीकार कियो है जपते अंगीकार कियो है न खावे हो तबते न खावे हो महारस कौन मुड़मती पाय महारस कौन मुड़मती जित पीत जित सावे हो तीत जित सावे हो बनी श्री वल्लभ पद तो और नम आवे हो जाके भाग्य फले कली में जाके भाग्य फले कली में शरण आवे हो चरण सोज आवे हो नंद नंदन को निज सेवक है नंद नंदन को निज सेवक है धड़क रबाह हावे हो चढ़ कर बाहक हावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और नमन आवे हो जिनको करो भूल मन शंका किनको करो भूल मन शंका निश्चय करी सुखी गावे हो निश्चय करी गावे
निश्चय करिषु तु गावे हो निश्चय करिषु तु गावे हो रसिक सदा फल रूप जनक रसिक सदा फल रूप जनक देऊ छंग मूल गावे हो देऊ छंग मूल रावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और नमन श्री महाप्रभु जी ने बिरुदावली श्रीमद नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुज्वार संप्रत श्री पुरुषोत्तम वदनावतार सर्वात्माय संचार वैष्णवात्माय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्ल मंगलाचार्य संप्रदाय कार्पित श्री साम्राज्य सनाखंड भूमंडलाचार्य वर्या जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद आचार्य चरणा विजयते इतराम शिवल्लभाधीश की जय। जी जय। आप श्री को और यहाँ विराजमान सभी वल्लभ कुल परिवार के चरणों में श्री आचार्य चरण के उत्सव पर मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज श्री आचार्य चरण के उत्सव पर उन्होंने भूतल पर प्रकट होकर हम सभी जीवों को जो लीला में से बिछड़ गए थे उनको कृपा करके शरण में लिया। उनको गुणगान करके ही हम आप श्री का प्रागट्य उत्सव मना सकते हैं। एक समय श्री ठाकुर जी को लीला में दिया दया आया कि जो जीव हजारों वर्षों से लीला में से बिछड़ गए हैं और अपना ही स्वरूप भूल गए हैं तब अपने ही श्रीमुख से एक तेज को स्वरूप श्री महाप्रभु जी को प्रकट किया। इस प्रकार साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम जो तेजो में धाम है उसका आधार अग्नि है, इसलिए आप श्री अग्नि कुंड में से प्रकट हुए और अग्नि स्वरूप कहलाए। आप श्री ऐसे अग्नि स्वरूप है कि जिनके पास जाने पर शीतलता मिलती है और दूर जाने पर ताप बढ़ता है। श्री आचार्य चरण ने कितने कठिन परिश्रम के साथ पृथ्वी की तीन परिक्रमा की, वो भी बिना खुले चरणारविंद के साथ अपने जीवों के उद्धार के लिए सुबोधिनी जी एवं षोडश ग्रंथ की रचना की। दोषों से भरे जीवों को ब्रह्म संबंध का दान देकर कृपा करके श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई और आज भी अपने वंशजों द्वारा कृपा का हमें दान कर रहे हैं। ऐसे आचार्य चरण के चरणारविंद में ये दास केवल संदेहनीय दंडवत कर सकता है। श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी एवं श्री नीलक्षी बहू जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हैदराबाद सिकंदराबाद में श्री जय जय की कृपा से बालबोधिनी पाठशाला की चार शाखाएं कार्यरत है। आज हम श्री वल्लभ के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष में श्री वल्लभ के अलौकिक जीवन गाथा संक्षेप में कहने जा रहे हैं। मैं सोनाली आपको श्री वल्लभ के पूर्वजों के बारे में बताऊंगी। श्री वल्लभ के पूर्वजों में गोविंदाचार्य हुए, इनके पुत्र श्री वल्लभ दीक्षित हुए और इनके पुत्र श्री यज्ञनारायण भट्ट हुए। श्री यज्ञनारायण भट्ट की पत्नी का नाम नर्मदा था। यज्ञनारायण ने के यहाँ एक दिन विष्णुचित नामक परम भक्त एवं विरक्त महात्मा पधारी। यज्ञनारायण भट्ट ने विष्णुचित जी के पास से गोपाल मंत्र की दीक्षा ली। यज्ञनारायण भट्ट ने अपने जीवन में 32 सोमयज्ञ किए। सोमयज्ञ के पूर्णवती के समय यज्ञ वेदी में से मदन मोहन जी प्रकट हुए और मदन मोहन जी ने वरदान दिया कि जब आपके कुल में 100 सोमयज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तब मैं आपके कुल में पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। कहा जाता है कि यज्ञ नारायण वेद के अवतार थे। एक विरोधी ने उसे आकर कहा, सब लोग आपको वेद का अवतार कहते हैं लेकिन यह भैंसा वेद का पाठ करे तो मैं सही मानूं। यज्ञ नारायण भट्ट ने भैंसे को संज्ञा की और भैंसा वेद का पाठ करने लगा। यज्ञ नारायण भट्ट के पुत्र का नाम गंगाधर भट्ट था जो शिवजी के अवतार थे। उनकी पत्नी का नाम कांची देवी था। गंगाधर भट्ट ने अपने जीवन में 28 सोमयज्ञ किए। एक बार विरोधी के कहने पर गंगाधर भट्ट ने अपनी जटा खोल के गंगा जी को बहाया था
और उन्होंने मीमांसा रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा है। गंगाधर भट्ट के पुत्र का नाम गणपति भट्ट, जो गणपति के अवतार थे, उन्होंने अपने जीवन में 30 सोमयज्ञ किए। गणपति भट्ट की पत्नी का नाम अंबिका था। गणपति भट्ट ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया था, उसमें से अभी सर्वतंत्र निग्रह ग्रंथ प्राप्त है। एक विरोधी के कहने पर गणपति भट्ट ने अपना साक्षात गणेश जी का रूप धारण करके सबको आश्चर्यचकित किया था। गणपति भट्ट के पुत्र वल्लभ भट्ट हुए, जो बालम भट्ट के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने अपरिग्रह रहकर कुंभी धान्य व्रत धारण किया था। उनकी पत्नी का नाम पूर्णा था। वल्लभ भट्ट ने अपने जीवन में 5 सोमयज्ञ किए। वल्लभ भट्ट सूर्य के अवतार थे। एक विरोधी के कहने पर वल्लभ भट्ट ने रात्रि को सूर्य प्रकट किया था, जो 15 कोष्ठक रोशनी देता था। श्री वल्लभ भट्ट को दशग्रंथी नाम से भी जाना जाता है। उनका भक्तिदीप नामक ग्रंथ बहुत विख्यात हुआ है। वल्लभ भट्ट के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण भट्ट और जनार्दन भट्ट। लक्ष्मण भट्ट का विवाह विजयनगर के राजपुरोहित शर्मा की 2 पुत्रियों यल्लम्मागारू और इल्लम्मागारू से हुआ। लक्ष्मण भट्ट ने अपने जीवन में 5 सोमयज्ञ किए। लक्ष्मण भट्ट शेष नाग के अवतार थे। लक्ष्मण भट्ट के कुल में 100 सोमयज्ञ पूर्ण हो चुके थे और लक्ष्मण भट्ट भगवत विग्रह के प्राकट्य की राह देखने लगे। श्री वल्लभाधीश की जय। जय जय और बाबूजी के युगल चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं स्मिता ओझा आज आपको श्री वल्लभ के प्रागट्य उत्सव के बारे में बताऊंगी। दक्षिण में कांकरवाड़ गांव में लक्ष्मण भट्ट जी को एक बार तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। कोई संघ तीर्थ यात्रा को जा रहा था। इसमें लक्ष्मण भट्ट अपने सगे संबंधियों और लक्ष्मण और इल्लम्मा गारू जी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करते हुए लक्ष्मण भट्ट काशी आए। काशी आकर लक्ष्मण भट्ट जी को यहाँ स्थायी निवास करने की इच्छा हुई। लक्ष्मण भट्ट हनुमान घाट ऊपर, जहाँ अपने जाति वालों की बस्ती थी, वहाँ एक मकान लेकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात वहाँ दिल्ली के बहलोल लोधी के आक्रमण का भय हुआ, तो वह अपने सगे संबंधियों और पत्नी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े और प्रयाग चित्रकूट जाते हुए एक घने जंगल में प्रवेश किया। वह अरण्य चंपों के वृक्षों से आच्छादित था, इसीलिए वन का नाम चंपारण्य था। वह घना जंगल में रात्रि को श्री इल्लम्मा गारू जी को समी वृक्ष के नीचे और नदी के किनारे गर्भस्राव हुआ। बालक निश्चेतन दिख रहा था। बालक में कोई हलचल नहीं थी। श्री इल्लम्मा गारू जी अपना भाग्य मानकर अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा निकालकर उसमें बालक को लपेटा और उसे समी वृक्ष के नीचे रखकर उसे पत्तों से ढक दिया। वो घने जंगल में रात्रि निवास योग्य नहीं था, अतः पति पत्नी निराश होकर दूर चौड़ा नगर में आए और वहाँ रात्रि विश्राम किया। लेकिन रात्रि को लक्ष्मण भट्ट जी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा कि आप मुझे ऐसे घने वल्लभाधीश की जय। पूज्य पाद गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी वापी मुंबई एवं श्री नीलाक्षी बहुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं आपको श्री वल्लभ के बाल्य अवस्था के बारे में बताऊंगी। लक्ष्मण भट्ट जी और इल्लम्मा गारू जी फिर अपने बालक को लेकर फिर चौरा नगर आए। वहाँ थोड़े दिन रुके।
बाद में उन्होंने सुना कि अब काशी के ऊपर से आक्रमण का भय टल गया है। वो अपने संबंधियों को लेकर काशी चले गए और काशी में ही रहने लगे। श्री वल्लभ ने अपनी बाल लीला से सबके मन को रंजन करने लगे। लक्ष्मण भज्जी उन्हें और खिलौने देते थे, लेकिन श्री वल्लभ कोई भगवत स्वरूप या पुस्तक से ही खेलते थे। एक बार श्री लक्ष्मण भज्जी निराश होकर गौशाला में बैठे थे, तो वहाँ जाकर श्री वल्लभ ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ? तो लक्ष्मण भज्जी ने जवाब दिया कि अपनी प्यारी पयोदा गाय मर गई है। ऐसा सुनते ही श्री वल्लभ ने वो गाय के ऊपर से हाथ फिराया और कहा, पयोदा उठो। यह सुनते ही वह गाय जीवित हो गई। प्रिय चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा। लक्ष्मण भज्जी ने श्री वल्लभ का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और थोड़े क्षण श्री वल्लभ को खुद समझाए। बाद में श्री विष्णुचित स्वामी, श्री नारायण दीक्षित जी और श्री माधवेंद्र यति जी के पास विद्या अभ्यास के लिए भेजा। यह समय दरमियान कृष्णदास मेघन ने जान लिया कि श्री वल्लभ का प्रागट्य चंपारण में हुआ है और अभी काशी में रह रहे हैं। वो भी काशी में आकर श्री वल्लभ की शरण में आए और उनके साथ ही रहने लगे और हमेशा श्री वल्लभ के साथ ही रहे। वल्लभ ने थोड़े समय में विद्या अभ्यास पूर्ण कर लिया। श्री वल्लभ पूर्ण पुरुषोत्तम का वदना अवतार है और वाक्पति है। श्री सरस्वती सदा उनकी आज्ञा में रहती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सदा दीपनी ऋषि के पास विद्या अभ्यास करने गए, ऐसे ही श्री वल्लभ अलग अलग आचार्य के पास विद्या अभ्यास करने गए और थोड़े ही समय में विद्या अभ्यास पूर्ण कर लिया। अब श्री वल्लभ बाल्य अवस्था छोड़कर किशोर अवस्था प्राप्त करने लगे। उनमें अब गांभीर्य आ गया था। शास्त्रों को अपनी दृष्टि से देखने लगे और अपने विचारधारा प्रकट करने लगे। वह उच्च नीच के भेदभाव में नहीं मानते थे। सभी को अपना आत्मा उद्धार करने का हक है, ऐसा मानते थे। शास्त्रकार और पंडित उनके पास आने लगे। वे शास्त्र चर्चा करने लगे। पूरी काशी में श्री वल्लभ का यश फैल गया और सभी उन्हें बाल सरस्वती के नाम से जानने लगे। लेकिन कुछ ईर्ष्यालु भी थे जिन्हें श्री वल्लभ का यश पसंद नहीं आया और वो श्री वल्लभ को अपने अखाड़े में आकर शास्त्र चर्चा करने का आवाहन देने लगे। श्री वल्लभ तो वहाँ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन श्री लक्ष्मण भट्टी ने उन्हें मना कर दिया। वो दुष्ट लोगों के इरादे जान चुके थे। ऐसे श्री वल्लभ की ख्याति चारों ओर फैल गई। आप सभी को श्री वल्लभाचार्य जी श्री महाप्रभु जी के उत्सव की खूब खूब बधाई। श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी एवं श्री नीलाक्षी बहु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं आरुषि आपको श्री वल्लभ की भारत परिक्रमा के बारे में बताऊंगी।
विजयनगर में विजय प्राप्त करने के बाद श्री वल्लभ ने अपनी माता से भारत परिक्रमा करने की अनुमति मांगी और संवत 1548 वैशाख वदी दूत को श्री वल्लभ ने अपनी प्रथम भारत परिक्रमा का प्रारंभ किया। श्री वल्लभ नित्य चार कोस चलते थे, अच्छा स्थल देखकर विश्राम करते थे, रसोई सामग्री सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग धरते थे, वहाँ जीव को शरण में लेते थे, कोई चर्चा करने आते थे उसे संतुष्ट करते थे और भागवत आदि पारायण करते थे। श्री वल्लभ ने भारत की चारों ओर परिक्रमा की, सभी तीर्थों में गए, वहाँ तीर्थों को स्नान किया, बहुत से जीवों को शरण में लिए और जीवों को कलेश कष्ट से छुड़ायो और भजनानंद का दान किया। श्री वल्लभ ने अपने चरण की गंध मात्रा तामस जीवों का भी उद्धार किया, तामस यानी पशु पक्षी पेड़ आदि जीव की योग्यता देखकर उसे नाम सेवा स्वरूप सेवा आदि का अधिकारी बनाया। ऐसे श्री वल्लभ परिक्रमा करते करते जब झारखंड में आए तब एक रात्रि श्रीजी बाबा ने आज्ञा की कि मैं गिरिराज पर प्रकट हुआ हूँ, आप यहाँ आकर मुझे पाठ बिठाओ, मेरा मंदिर सिद्ध कराओ और मेरी सेवा का क्रम चालू कराओ। श्री वल्लभ यह आज्ञा सुन के श्री व्रज में पधारे और आनियोर में सदुपांडे के घर के पास चौतरे पर बिराजे सदुपांडे ने आकर विनती की कि आप कोई महापुरुष हो, आप कुछ ग्रहण करेंगे। तब कृष्णदास मेघन ने कहा कि श्री वल्लभ अपने सेवक का ही ग्रहण करते हैं। इतने में श्री गिरिराज ऊपर से आवाज आई कि अरे नरो मेरा दूध ला। यहाँ से नरो ने आवाज दी कि वारिजा और लाल अभी आए, मेरे घर पाहुने आए हैं। तो श्रीजी बाबा ने आज्ञा की कि पाहुने आए हैं अच्छी बात है, लेकिन मुझे देर हो रही है। नरो ने दूध का कटोरा लेकर श्रीजी बाबा को दूध आरोगाया। जब वापस आए तो श्री वल्लभ ने पूछा इसमें कुछ बच्चों हैं? तब नरो ने कहा रंचक बच्चों है। श्री वल्लभ ने ये बचा हुआ दूध का पान किया। सदुपांडे और उसका परिवार श्री वल्लभ की शरण में आया। मणिचंद कुंभनदास रामदास चौहान आदि भी श्री वल्लभ की शरण में आए। दूसरे दिन सुबह में श्री वल्लभ सभी को साथ लेकर श्री गिरिराज पे पाँव धारे। यह देखकर श्रीजी बाबा भी श्री वल्लभ को मिलने दौड़कर पधारे। एक शिला पे दोनों स्वरूपों का अद्भुत अवर्णनीय प्रथम मिलन हुआ। बाद में श्री वल्लभ ने तत्काल एक मंदिर सिद्ध कराया, उसमें श्रीजी बाबा को पाठ बिठाया। रामदास चौहान को श्रीजी बाबा के श्री अंग की सेवा सौंपी। कुंभनदास जी कीर्तन की सेवा की आज्ञा की किए। शदु पांडे वगैरह को जो आवश्यक सामग्री की जरूरत रहती थी वह पहुंचाने की आज्ञा करी। श्रीजी बाबा को बहुत सुख देकर श्री वल्लभ वहाँ से गोकुल में गोविंद घाट पे पधारे। वहाँ श्री यमुना जी की स्तुति करके श्री यमुनाष्टक की रचना की। एक रात्रि को श्री वल्लभ गोविंद घाट पर पोढ़े हते। तब उन्हें चिंता हुई कि श्री ठाकुर जी ने मुझे जीवों को शरण में लेने की आज्ञा की है, लेकिन निर्दोष ब्रह्म से दोषों के भंडार रूप जीवों का संबंध कैसे संभव है। श्री वल्लभ को चिंतित देखते हुए श्री ठाकुर जी वहाँ पधारे
और श्री वल्लभ को आज्ञा की करी कि जो जीव को आप शरण में लेंगे वह जीव का सभी दोषों का नाश हो जाएगा। वो दिन श्रावण सुद 11 का था। श्री वल्लभ ने श्री ठाकुर जी को पवित्रा धराया और मिश्री का भोग लगाया और मधुराष्टक से श्री ठाकुर जी की स्तुति की। दूसरे दिन श्री वल्लभ ने सर्वप्रथम दामोदर दास हरसानी को ब्रह्म संबंध दीक्षा दी। बाद में श्री वल्लभ ने व्रज परिक्रमा की। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्य पद गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी वापी मुंबई एवं श्री नीलाक्षी वजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं दृष्टि आपको श्री वल्लभ के कर्ण का अभिषेक के बारे में बताऊंगी। काशी में मंत्र मंत्रांतर बढ़ने से श्री लक्ष्मण भट्ट को दक्षिण में अपने वतन कंकड़वार जाने की इच्छा की और अपने परिवार के साथ निकल पड़े। रास्ते में भी श्री वल्लभ को ज्ञान शास्त्रों की जानकार मिलने को आते थे। श्री वल्लभ सभी का बराबर समाधान करते थे। ऐसे करके सभी वेंकटेश बालाजी में आए। वहां जब लक्ष्मण भट्ट जी बालाजी के दर्शन करने गए तब बालाजी को उबासी आई और लक्ष्मण भट्ट सदेह बालाजी के मुख में प्रवेश कर गए। वहां बहुत कोलाहल मच गया। लक्ष्मण भट्ट की धोती आदि वस्त्रों रह गए थे। श्री वल्लभ ने और उनके सभी भाइयों ने धोती आदि वस्त्रों के अंतिम संस्कार किया। थोड़े समय बालाजी में रहकर श्री वल्लभ अपने परिवार के साथ कंकड़वार आए। थोड़े समय कंकड़वार में रहने के बाद श्री वल्लभ ने माता श्री इलमागारू से भारत परिक्रमा करने की अनुमति मांगी। श्री इलमागारू जानते थे कि श्री वल्लभ अपने बातों पर अडिग हैं, इसलिए उन्होंने श्री वल्लभ से कहा कि तुम मुझे विजयनगर में मामा श्री रंगनाथ विद्याभूषण के पास छोड़ा। श्री वल्लभ ने यह बात मान ली और सभी ने विजयनगर की तरफ प्रस्थान किया। विजयनगर में मामा ने सभी का स्वागत किया और प्रेम से गले मिले। यह समय में विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का राज्य चल रहा था और उनकी धर्म सभा में 6 महीने से बड़ा शास्त्रार्थ चल रहा था। आखिर में वैष्णव मत वाले पीछे पड़ रहे थे और मायावादी जीत रहे थे। श्री वल्लभ ने एक दिन मामा के घर विश्राम किया और दूसरे दिन श्री वल्लभ ने धर्म सभा में प्रवेश किया। श्री वल्लभ का तेज देखकर स्वयं राजा उठकर श्री वल्लभ का स्वागत किया और उच्च आसन पे बिठाया। श्री वल्लभ ने ऐलान किया कि जिसे भी शास्त्रार्थ करना हो वह एक एक करके मेरे समक्ष आए। शास्त्र चर्चा चलने लगी। बोध जैन, चार्वाक शांकर, कपालिक साख्यत, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी आदि सभी संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभ से शास्त्र चर्चा करने लगे। कहा जाता है कि यह शास्त्र चर्चा 28 दिन तक चली। इतने दिनों में श्री वल्लभ ने सभी आचार्य को अपने सुस्पष्ट तर्कों से निरुक्त किया, मायावाद का खंडन किया और शुद्ध द्वैत ब्रह्मवाद का स्थापन किया। श्री वल्लभ ने कहा कि ब्रह्मा सत्य है और ब्रह्म में से ये जगत उत्पन्न हुआ है, तो यह जगत मिथ्या कैसे हो सकती है? सत्य में से असत्य कैसे प्रकट हो सकता है? जगत का एक एक कण सत्य है क्योंकि इसमें ब्रह्मा का निवास है। जीव जब विधाग्रस्त हो जाता है तब उसे अहंता ममता घेर लेती है, इसलिए ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, लेकिन अहंता ममता मक संसार मिथ्या है। सभी ने श्री वल्लभ का जय घोषित किया। श्री वल्लभ ने सभी वादियों को परास्त कर
के विजय प्राप्त किया। राजा ने उन्हें विजय घोषित किया। सोने के बने हुए फूल पानी में पधरा कर ये पानी से श्री वल्लभ का स्नान किया। इसे कंठा अभिषेक कहते हैं और विजय आचार्य तिलक किया। सभी ने श्री वल्लभ को आचार्य की पदवी प्रदान की। राजा ने सोने के मोहरे से भरा एक थाल श्री वल्लभ को भेंट किया, लेकिन श्री वल्लभ ने उसमें से 7 सोने के मोहरे ही स्वीकार किए। बाद में इस मोहरे से श्री वल्लभ ने श्री जी बाबा के निपुण सिद्ध करवाए। जय श्री कृष्ण। मैं मुंबई से हर्षित, वल्लभाधीश की जय। पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी वापी मुंबई एवं श्री नीलक्ष बहु जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं आपको श्री पांडुरंग विठलनाथ जी की आज्ञा, जगन्नाथ जी में शास्त्रार्थ और श्री महाप्रभु जी के विवाह के बारे में बताऊंगा। पाठ बिठा के श्री वल्लभ ने अपनी रुकी हुई प्रथम परिक्रमा चालू की। परिक्रमा के दरम्यान जब श्री वल्लभ पंढरपुर पधारे, तह श्री पांडुरंग विठलनाथ जी श्री वल्लभ को मिलने के लिए आए। जब श्री वल्लभ श्री विठलनाथ जी के मंदिर में थे, श्री विठलनाथ जी के श्रृंगार करने को पधारे, तब विठलनाथ जी ने श्री वल्लभ को आज्ञा की कि मुझे आपके यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होना है। श्री वल्लभ ने श्री विठलनाथ जी की सेवा करके अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाया। एक बार श्री वल्लभ उज्जैन में जहाँ पधारे वहाँ कोई वृक्ष नहीं था, तो एक पीतल का पत्ता उड़ता उड़ता श्री वल्लभ के पास आया। श्री वल्लभ ने वह पत्ते की डांडी जमीन पर रोपी और उस पर थोड़ा जल छिड़का। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बड़ा पीपल का झाड़ खड़ा हुआ। सब ने यह देख और आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे श्री वल्लभ परिक्रमा करते करते जब ओरछा पधारे, तब वहाँ राजा राम भद्राय का एक राजा चल रहा था। श्री वल्लभ राजा की सभा में पधारे। राजा ने श्री वल्लभ का स्वागत किया। श्री वल्लभ ने आज्ञा करी कि यहाँ शिवानंद यति नामक कोई पंडित रहता है, आप उसे बुलाओ, मुझे उससे शास्त्रार्थ चर्चा करनी है। यह सुनकर राजा रामभद्र राय ने कहा कि आप उसे ना बुलाओ तो ही अच्छा है। शिवानंद यति ने सरस्वती को एक घट में कैद करके रखी है। शिवानंद यति जहाँ भी शास्त्रार्थ करता है, वहाँ घट में से सरस्वती शिवानंद यति के पक्ष में जवाब देती है, इसलिए शिवानंद यति सब जगह विजय होता था। कोई उससे शास्त्रार्थ चर्चा नहीं कर सकता था। शिवानंद यति का घमंड बहुत बढ़ गया था। शिवानंद यति श्री वल्लभ से शास्त्रार्थ करने लगा। श्री वल्लभ के तारकों के सामने शिवानंद यति की एक भी नहीं चली। फिर भी शिवानंद ने सरस्वती से जवाब मांगा। घट में से सरस्वती ने श्री वल्लभ के पक्ष में जवाब दिया। शिवानंद यति वहाँ से भागा और आगे जाकर सरस्वती से बोला कि मैं तुम पे मरूंगा। सरस्वती ने जवाब दिया कि और पंडित होते तो मैं तुम्हारे पक्ष में जवाब देती, लेकिन श्री वल्लभ पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार है, मेरे पिता पति हैं, मैं उसके विरोध में कैसे निर्णय देती। ऐसे श्री वल्लभ ने राजा रामभद्र राय की सभा में विजय प्राप्त किया। राजा रामभद्र राय ने श्री वल्लभ का कनका अभिषेक किया। श्री वल्लभ चारों धाम सातोपुरी और समस्त तीर्थों को पावन करते हुए श्री जगन्नाथ जी में पधारे। श्री वल्लभ को देखकर श्री जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। जगन्नाथ जी में सब जब शास्त्रा चर्चा में कोई निरक्षर नहीं आया तो और मायावादी कोई बात समझन में
को राजी नहीं थे, तब श्री वल्लभ ने एक कागज और कलम मंगाई। श्री वल्लभ ने आज्ञा करी के यह बात का निर्णय श्री जगन्नाथ जी स्वयं देंगे। कलम और कागज श्री जगन्नाथ जी के सामने रख दिया और मंदिर के द्वार बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब द्वार खोले गए तब कागज पर एक मंत्र लिखा था, एक शास्त्राम देव देव के पुत्र गीतम एको देवी देव की पुत्र एवं मंत्रोपि एक तस्य नमामि कर्म एकम तस्य देवस्य सेवा शास्त्र में सर्वोत्तम स्तोत्र गीता है। देवो में सर्वोत्तम देव भगवान श्री कृष्ण है, उसका नाम श्री सर्वोत्तम मंत्र है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही सभी उत्तम कर्म है। यहाँ भी श्री वल्लभ का जय 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 जयकार हुआ, मायावाद का खंडन हुआ, शुद्धा देव तो ब्रह्मावाद का मुंडन हुआ। राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ से श्री वल्लभ अग्रहार पधारे और अपनी प्रथम परिक्रमा पूर्ण की। 1548 वैशाखवदी दज को प्रथम परिक्रमा की शुरुआत की थी, जो सवन अक्षय तृतीय के दिन पूर्ण हुई। प्रथम परिक्रमा पूर्ण करने में 6 साल व्यतीत हुए हो गए। श्री वल्लभ ने परिक्रमा पूर्ण करने के बाद थोड़ा समय अपनी माता बंधु और भगिनी के साथ बिताया। बाद में श्री वल्लभ ने दूसरी परिक्रमा का प्रारंभ किया 1555 में। चैत्र सुदी दूज को दूसरी परिक्रमा का प्रारंभ किया। दूसरी परिक्रमा के दरमियान श्री वल्लभ जब पंढरपुर पधारे, तभी श्री विठ्ठलनाथ जी ने आज्ञा करी कि दूसरी परिक्रमा संपन्न करने के बाद आप विवाह करो। दूसरी परिक्रमा श्री वल्लभ ने 5 साल में पूर्ण करी। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद श्री वल्लभ काशी पधारे। वहाँ श्री मधुमंगल जी की बेटी श्री महालक्ष्मी जी के साथ सवन 1560 शुद्ध पंचमी के दिन श्री वल्लभ का श्री महालक्ष्मी जी के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। श्री वल्लभ थोड़े समय काशी में विराजे और बाद में श्री वल्लभ तीसरी परिक्रमा को पधारे। श्री वल्लभ ने तीसरी परिक्रमा 4 साल में पूर्ण करी। बीच बीच में श्री वल्लभ श्रीजी द्वार श्रीजी के पास पधारे थे। श्रीजी बाबा के सेवा श्रृंगार करते थे और मंदिर की व्यवस्था देखते थे। श्री वल्लभ श्रीजी को बहुत लाड लड़ाते थे। तीनों परिक्रमा पूर्ण करने के बाद श्री वल्लभ ने अपना स्थाई निवास श्री अडेल में करने को चाहा। सबको मेरा जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्य पाद गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी वापी मुंबई एवं श्री नीलाल श्री बहुजी के चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। मैं आपको श्री वल्लभ की असुरियो महालीला तक बताऊंगी। श्री महाप्रभु जी ने अडेल में स्थायी निवास किया। यहाँ आपके यहाँ प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य विक्रम संवत 1567 आसोवाद 12 को हुआ, जो शेष जी का प्रागट्य थे। श्री विठ्ठलनाथ जी आपके यहाँ दूसरे पुत्र रत्न के रूप में प्रकट हुए। चरणार्थ में श्री विठ्ठलनाथ जी का प्रागट्य विक्रम संवत 1592 पोषवदी 9 को हुआ। श्री महाप्रभु जी ने बहुत से जीवों को शरण में लिया और उन्हें प्रभु से जोड़ा, परमानंद की प्राप्ति कराई। मथुरा में विश्राम घाट जो अच्छी हालात में नहीं था और वहाँ
शमशान था, श्री वल्लभ ने कृष्णदास मेघन को कमंडल में से जल छिड़कने की आज्ञा की। कृष्णदास मेघन ने ध्रुव घाट तक जल छिड़का, इसीलिए वहां बस्ती बस गई और शमशान दूर चला गया। श्री वल्लभ ने गोकुल को फिर से बसाया। शरण आए जीवों के माथे श्री ठाकुर जी की सेवा पधरा कर घर घर में व्रज बसाया। जीवों के अनंत दोषों ध्यान में ना लेकर जीवों को परमानंद का दान दिया और लीला रस का अधिकार बनाया। शाश्वत कल्प की लीला को कलयुग में प्रकट किया, जो काम हजारों सालों की तपस्या के बाद भी सिद्ध नहीं होता था, वह श्री वल्लभ के शरण लेते हैं सहज में सुलभ हो गया। नंद नंदन जो किसी के भी बस में नहीं है, वह श्री वल्लभ के बस होकर श्री वल्लभ जहाँ पधराए वहाँ खुशी से पधारे, और जिसके माथे पधारे उन्हें स्वरूपानंद का दान दिया, परमानंद की प्राप्ति कराए, वह जीवों को कृतकृत्य किया और लीला के साथ जोड़ा। श्री वल्लभ के गध मंत्र के अक्षर 84 है। श्री वल्लभ ने 84 ग्रंथ प्रकट किए। श्री वल्लभ के नीच 84 वैष्णव हुए। श्री वल्लभ ने 84 कोस की व्रज परिक्रमा करी। चारों वर्णों उपरांत श्री वल्लभ ने पंचम वर्ण प्रकट किया, जो वैष्णव कहलाते हैं। वहां कोई ऊंच नीच नहीं, वहां सभी कृपा पात्र हैं, सभी आदरणीय हैं। वहां हृदय का भाव देखा जाता है, जाति नहीं देखी जाती, क्रम नहीं देखा जाता है। ऐसे श्री वल्लभ की गूंज युगों युगों तक गूंजती रहेगी। श्री वल्लभ को तो भूतल के ऊपर रहकर बहुत से कार्य करने थे, लेकिन श्रीजी बाबा श्री वल्लभ का विरह नहीं सह सकते थे। श्री वल्लभ को लीला में वापस पधारने की प्रथम आज्ञा झारखंड में हुई, जो देहत्या की थी। दूसरी आज्ञा मधुबन में हुई, जो देश त्याग की थी, और तीसरी आज्ञा अडेल में हुई, जो लोक गोचर की थी। तीसरी आज्ञा सुनकर श्री वल्लभ को स्वामी की आज्ञा न मानने का बहुत दुख था और अंतकर्ण प्रबोध ग्रंथ की रचना की। श्री वल्लभ ने आपने आखिर दिनों में संन्यास ग्रहण किया और विक्रम संवत 158 अषाढ़ शुद्ध दूज और तेज के दिन काशी में हनुमान घाट से गंगा जी के प्रवेश किया और अंतर ध्यान हो गए। एक प्रकाश कुंज निकला, जो एक मुहूर्त तक आसमान में रहा, वह सब ने देखा, बाद में विलीन हो गया। कहा जाता है कि वह प्रकाश कुंज श्री गिरिराज जी के मुखारविंद में आकर वहां समाज गया। श्री वल्लभ कहीं नहीं गए, लोकमानस की दृष्टि से विलंब हो गए, लेकिन भक्तों के हृदय में सदा
के लिए विराजमान है। जब भी कोई भक्त को आरती होती है तब प्रकट होकर दर्शन देते हैं। अस्तु, जय श्री कृष्ण। पूज्य पाद गोस्वामी 108 श्री गोविंद राय जी एवं बहुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम।